और मैं इस सीएफसी डिब्बे के बारे में कुछ साहब से जानकारी लेना चाहता हूँ। सर आपका शुभ नाम? मनोज त्यागी। साहब आप कौन से गांव से हैं? रोहाना कला मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में आता है। त्यागी साहब हमने सुना है आपको प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिए हैं बहुत सारे, किस किस क्षेत्र में काम करते हैं आप? खेती पे, गन्ने पे, पशुपालन पे, और मुझे कई अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय स्तर पर, यूनिवर्सिटी से मैं सम्मानित हूँ, कई प्रदेश सरकार से मैं सम्मानित हूँ। प्रदेश सरकार ने भी साहब को सम्मानित किया, यूनिवर्सिटियों ने भी किया, प्रधानमंत्री महोदय ने भी किया है, तो मैं चाहूंगा हमारे साहब के लिए कृषि मंत्री ने अवार्ड दिए है तो अच्छे किसान है, 21 मार्च को भी सम्मानित किया इसी साल, तो मैं चाहूंगा पहले तो हमारे किसान भाई कई बोर्डों का मेंबर भी हूँ, गवर्निंग बोर्ड का हूँ, सलाहकार बोर्ड का मेंबर भी हूँ। तो हम एक पढ़े लिखे किसान से शिक्षित भाई से अपने से बात कर रहे हैं जो कि सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। 23 जून को यूनिवर्सिटी में 14 दिन से टीम आई थी, मुझे भी सुना लाल कांड के किसान गए थे, मेरी सवाल जवाब नहीं 14 दिन। ताकि साहब हम ये चाहते हैं जन जागरण आपके द्वारा भी पूरे क्षेत्र में सर पश्चिमांचल में चले। इस डिब्बे के बारे में सर, आपने ये डिब्बा कब खरीदा था? मैं खरीदा था 27 अप्रैल को आपने खरीदा, फिर ये डिब्बा आपने किसको खिलाया सर? मैं मेरे पास 6 पशु, 6 के 6 पशुओं का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 6 के 6 पशुओं पे इस्तेमाल किया सर, आपका खिलाने का तरीका क्या था? मेरा तरीका था मैं 1 चोकर की वो लिया, 1 किलो चोकर, और उसमें उसकी 6 चम्मच डाल दी, इसके अंदर 1 चम्मच 6 चम्मच डाल दी, उसको फिर पानी डाल के लड्डू से बना दिया और पशु को। एक एक लड्डू जो था चोकर का बना करके सब पशु को खिला दिया, तो खिलाने के बाद में सर आपको रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि पशुओं का दूध बढ़ा, दूध बढ़ा, पशुओं के नीचे घी बढ़ा, घी भी बढ़ा, इसी बात उनको शाइनिंग आई, चमक आती है, चमकी बात गर्भ धारण की क्षमता, गर्भ धारण की उनकी जो